मोदी की बस्ती आगमन पर उमड़ा जनसैलाब। मोदी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, विपक्ष का छूटा पसीना। अपार भीड़ को देख विपक्ष में मची खलबली, विपक्ष के लोग हुए परेशान। मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, विपक्ष को बताया गुंडा माफियाओं की पार्टी। कड़ी धूप में बड़ी भीड़ देख घबरा गया विपक्षी दल, बड़ी संख्या में पहुंची जनता। मोदी ने कहा भीड़ देखकर विपक्षी पार्टियां कहीं अपने घर के रास्ते न भूल जाएं। मोदी ने कहा राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, अध्यात्म से आधुनिकता के मंत्र से देश आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कांग्रेस ने जितना विकास 60 साल में नहीं किया उससे ज्यादा विकास 10 साल में हुआ। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर बेकार है, राम भक्त झूठे और पाखंडी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो विपक्ष नहीं चाहता। 10 साल में आतंकी गतिविधियों सहित भ्रष्टाचारियों का सफाया हुआ। मोदी ने कहा इस मंडल में तीनों के तीनों सीट भाजपा जीत रही है। सरयू से वॉटरवे यानी जलमार्ग बनाने का काम भी चल रहा है और ये तो अभी केवल ट्रेलर है। ट्रेलर अभी तो ये ट्रेलर है, बहुत बड़े बड़े काम आगे करने हैं। साथियों, सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी थी, हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, लोग जमीन खरीदने से डरते थे। जमीन खरीदी तो कोई न कोई माफिया कब्जा कर लेता था, आपको याद है ना? कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे, दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इसलिए मैं कहूंगा इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे इन लोगों का हौसला बढ़े। साथियों, बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में, यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। और मुझे खुशी है जरा इंडी अलायंस वाले, मैं छोटे से इस बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा इंडी अलायंस मंच पे दिखता है, देखो सारे नेता मौजूद है। आपने कभी इंडिया अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को तो देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं दे होता था और अभी योगी जी ने बताया चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा जाता था, सड़कों की हालत बदहाल थी। मैंने आपसे वादा किया था ये हालत मैं बदलूंगा। मैंने 2017 में कहा था यहां बंद चीनी मिलों को शुरू कराऊंगा। मुंडेरवा पिपराइच में वो वादा पूरा हुआ। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल यूनिट भी लगा रही है। भाइयों बहनों, बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। आज मनवर संगम ट्रेन यहां से चल रही है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, बस्ती पीलीभीत फोर लाइन हाईवे हो, बस्ती रिंग रोड हो, इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। इससे बस्ती के चीनी उद्योग को
संत कबीर नगर के पीतल से बने उत्पादों को और महाराजगंज के फर्नीचर उद्योग को नई ताकत मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथियों, 25 मई को आप मेरी तरफ देखिए, भारत माता की जय श्री राम। 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहे, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहे, 3 करोड़ गरीबों को उनके लिए नए पीएम आवास मिलेंगे। और मेरा एक काम करेंगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताए तो बोलूं, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे ढीला ढीली बात करने वालों को मैं काम नहीं बताता हूं, जो मजबूती से बोले उन्हीं को काम बताता हूं जी। हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए काम कैसा है, अभी आप लोगों को मिलने के लिए जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे, सोसाइटियों में, चाल में, मोहल्ले में, गांव में, अलग अलग जगह पे जाते होंगे, कहीं पर भी आपको कोई परिवार झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारता नजर आए, कहीं भी आपको कोई परिवार कच्चे मिट्टी के टूटे फूटे मकान में नजर आए, तो उसको जाके कह देना, उसका एक तो नाम पता लिख करके मुझे भेज देना, और उसको कह देना 4 जून को मोदी सरकार बनने के बाद उसको भी पक्का घर मिल जाएगा। तीन करोड़ नए घर बनाऊंगा, मुझे इस देश में हर गरीब को पक्के घर में रहने की सहूलत देनी है। तो आप घर घर जाके मेरा इतना काम करेंगे, और आप मन में झिझकना मत कि ये मैं तो कह दूंगा और कुछ नहीं होगा तो फिर तो मुझे पकड़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ही यहां जितने लोग हैं ना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप मोदी से जरा भी कम नहीं है, तो लोगों को बताइए उनको घर मिलने की गारंटी है। साथियों, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सब आपके वोट से मुमकिन होगा, और इसलिए मतदान भारी होना चाहिए, एनडीए के पक्ष में होना चाहिए। जहां भाजपा का उम्मीदवार है उसे भाजपा को, जहां मेरे एनडीए के साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनको एनडीए का, आपका वोट पक्का होना चाहिए। बस्ती से हमारे साथी भाई हरीश द्विवेदी जी, संत कबीर नगर से भाई प्रवीण निषाद, और डुमरियागंज से श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, इनको भारी मतों से विजयी बनाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे
घर घर जाना और हर परिवार में जाना, हर परिवार के लोगों को मिलना और परिवार के सबके साथ बैठ करके कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे, हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे। एक और काम करना है करोगे, आपके हर गांव में आपके कोई तीर्थ देवता होंगे, गांव में कोई मंदिर होगा जहां गांव के लोग जाते होंगे, वहां भी जाकर के मत्था टेकना और कहना कि विकसित भारत के लिए हे देवाधिदेव हम सबको आशीर्वाद दो। इतना काम हर गांव में हर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करना। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो।